व्यूअर्स, आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बार फिर से लाया हूँ स्किल एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन मीन्स TCA सब्जेक्ट है और 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और स्किल एग्जाम CBSE फर्स्ट टर्म का एग्जाम देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम में MCQ वाले क्वेश्चंस आएंगे, MCQ वाले क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस। किस तरह का एग्जाम आएगा, पेपर का डिजाइन कैसा होगा, प्रश्न कैसे होंगे, किस यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में उमड़ घुमड़ रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। इसका आंसर कहां से मिलेगा, आप बार बार वीडियो तलाशते हैं, खोजते हैं, आंसर नहीं मिलता। आपके बहुत सारे कमेंट आए कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दो, तो आज वाला वीडियो आपकी उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उम्मीद है कि वीडियो को एंड तक देखेंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आ सकते हैं, किस यूनिट को CBSE ज्यादा वेटेज दे रही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कितने प्रश्न आएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और मेन स्किल जो है कितने प्रश्न आएंगे, च्वाइस कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 6 क्वेश्चंस आएंगे, 3 यूनिट आएंगे, 1 प्रश्न की चॉइस होगी। मेन जो सब्जेक्ट स्किल है टाइपोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें से आपको 3 यूनिट आएंगे और 3 यूनिट में से आपको 25 प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के करने हैं, 25 मेन सब्जेक्ट स्किल के, टोटल 30 मार्क्स आपको लाने हैं। और 30 प्रश्न करेंगे तो आंसर 30 प्रश्नों के देने हैं, एक नंबर का एक प्रश्न है तो आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे। चॉइस अब आता है, चॉइस कितनी होगी, आपको पता होना चाहिए कि आपको 8 प्रश्नों की चॉइस होगी। 38 क्वेश्चन है, 8 प्रश्नों की बहुत अच्छी चॉइस है, किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। और कितने प्रश्न पहले यूनिट से आएंगे, कितने प्रश्न दूसरे यूनिट से आएंगे, कितने प्रश्न तीसरे यूनिट से आएंगे। जो मेन सब्जेक्ट स्किल है, पहला यूनिट 10 प्रश्न आएंगे, दूसरे यूनिट में से भी 10 प्रश्न आएंगे, तीसरे यूनिट से 12 प्रश्न आएंगे, तो टोटल 32 क्वेश्चन आपको मेन सब्जेक्ट स्किल में आएंगे। तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आपने स्टडी की है, थोड़ी स्टडी और करनी है। टोटल 7 प्रश्नों की आपको चॉइस है, यानी 32 में से आप 7 क्वेश्चन अगर आपको डाउट है, उनके आंसर नहीं आ रहे तो आप छोड़ सकते हैं। और इसी तरह आपने वीडियो एंड तक देखना है और वीडियो इससे पहले कि प्रश्न उत्तर शुरू करें, आप नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठें कि आपने अब तक जो स्टडी की है उस स्टडी के बिहाफ पर आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। मैं आपको 38 क्वेश्चन दूंगा, आप अपने अनुमान के अनुसार कितने उत्तर दे पा रहे हैं वो नोट करते रहें कॉपी पर। एंड में जब आंसर आएंगे तो आप चेक करेंगे कि आपके अनुमान के अनुसार कितने उत्तर आपके सही थे और आज की आपकी कितनी तैयारी है, यानी आपने 50% 60% स्टडी कर ली, 70% कर ली, अब कितनी और करनी बाकी है। अगर आपने 70% आंसर ठीक दे दिए तो यानी आपको 30% थोड़ा सा और जोर लगाना है और पूरे आंसर देकर आने हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मेन जो वीडियो है, जिसमें आपको प्रश्न भी होंगे, उत्तर भी होंगे और करिकुलम की डिटेल भी होगी। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसा कि आप मेरे वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट कोड नंबर 817 का सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा। किस तरह से आपको पेपर मिलेगा, यानी फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका कैसा होगा, और उसको देखने से आपको पता लग जाएगा कि
आपकी स्टडी किस तरह की होनी है, आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमें किस तरह का पेपर आने वाला है और क्या क्या स्टडी करनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपके काम आने वाली हैं, आपको अच्छे अंक दिलवा सकती हैं, वो सब बताई जाएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा पेपर, उसमें किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है 5 मार्क का है और इसमें आपको 3 यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे। पहले यूनिट के 2 क्वेश्चन हैं, दूसरे यूनिट्स में भी 2 क्वेश्चन आएंगे और तीसरे यूनिट से भी 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आने हैं और आपने उसमें से 5 ही करने हैं, यानी 1 नंबर की च्वाइस है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको करिकुलम पता होना चाहिए, उसी के आधार पर आप स्टडी कर पाएंगे। किसी भी विषय का एग्ज़ाम देना है तो आपको करिकुलम अगर नहीं पता होगा तो आप एग्ज़ाम की स्टडी ठीक से नहीं कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो अब आगे चलते हैं, मेन जो सब्जेक्ट स्किल है उसमें टोटल 3 यूनिट इसमें भी आएंगे। पहले यूनिट से 10 नंबर के सवाल आएंगे, दूसरे यूनिट में भी 10 क्वेश्चन आएंगे और तीसरे यूनिट में 12 क्वेश्चन आएंगे, यानी लगभग इक्वल ही है वेटेज। तीनों यूनिट की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। टोटल आपको 32 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, जिसमें से आपने 25 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और टोटल जो मार्क्स हैं, 30 मार्क्स का पेपर होगा, 25 ये हो गए 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, 30 मार्क्स इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है। अब देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा, सबसे पहले आपको टाइम बता देते हैं कि इसका टाइम 1.5 घंटा, 90 मिनट्स होंगे, 30 मार्क्स होंगे। ये इंस्ट्रक्शन है, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, बी में से 20 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड 5 क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से 30 मार्क्स। और च्वाइस आपको दी है CBSE ने, 38 टोटल क्वेश्चन होंगे और आपने 30 के ही आंसर देने हैं, यानी 8 क्वेश्चन की बहुत अच्छी चॉइस दी जा रही है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सेक्शन ए, सेक्शन ए का पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वेल नोन ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है, और आप सही उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 अंक। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, मोस्ट ऑफ अस यूज ब्लैंक है इन एडिशन टू वर्ड्स व्हेन वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो हम बोलने के अलावा और क्या क्या यूज करते हैं, आपने इन 3 ऑप्शन में से बताना है कि जब हम कोई बात कह रहे हैं तो क्या यूज़ करते हैं। वर्ड्स एंड जेस्चर यूज़ होता है, और जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर होता है, पोस्चर एंड आई गेजिंग होता है। तो आपने इन में से बताना है कि जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो इसके अलावा और क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, वी शुड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के दौरान क्या होना चाहिए, नॉट लिसन द स्पीकर, स्पीकर की तरफ नहीं सुनना चाहिए, इंटरफेस टू द स्पीकर या लिसन टू द स्पीकर, स्पीकर को सुनना चाहिए, गेज टू द स्पीकर और स्पीकर को घूरना चाहिए। वी शुड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के दौरान क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है, और सही उत्तर अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स। इसमें से ये 4 ऑप्शन हैं, तो ये बताना है कि कौन सा इंटरनल आंतरिक मोटिवेशनल फोर्स नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखा है, और कई बार होता है कि हम प्रश्न ही नहीं समझ पाते तो उत्तर गलत हो जाता है, तो इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स इसमें से कौन सी नहीं है, और सही उत्तर पहचानने पर आपको मिलता है 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शन टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। ये निम्नलिखित में से जो कौन सा फंक्शन है जो ये बताता है कि न्यूमेरिक एंट्रीज कितनी हो गई हैं, तो 4 ऑप्शन हैं, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। तो आपने जो MCQ वाले प्रश्नों के उत्तर की स्टडी करते समय एक तो यूनिट को ध्यान रखना है, यूनिट को थॉरो स्टडी करनी है, क्योंकि सभी आंसर एक ऐसा लगता है कि हाँ यही आंसर सही है, तो आपको थोरो स्टडी करेंगे तो आंसर पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, आइकन दिखाया गया है, ये जो आइकन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, PPT का आइकन है और
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये आइकन किस लिए होता है? चार ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा एक अंक। नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट स्किल आ गया, अभी तक हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न देख रहे थे, अब है सेक्शन बी मेन सब्जेक्ट स्किल। 20 मार्क्स के प्रश्न हैं और क्वेश्चन है 25, यानी 5 क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छी सीबीएसई चॉइस दे रही है। सबसे पहले ब्लैंक है 7 क्वेश्चन में, इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन इंस्टेड ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बजाय जो फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है वो नीचे कुछ लेटर्स के स्टाइल दिए हैं, इन लेटर्स का स्टाइल कौन सा स्टाइल है जो फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है? तो आप अगर उत्तर पहचानते हैं तो आपको एक अंक मिलेगा, अगर नहीं पहचानते तो आपके पास चॉइस है, 5 प्रश्न की चॉइस है, आप इस प्रश्न का उत्तर ना देना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन लेटर राइटिंग फॉर्मेट ए टाइटल, लेटर जब हम लिखते हैं तो उसमें टाइटल लिखते हैं डियर राहुल, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? चार ऑप्शन है, सिग्नेचर का एग्जांपल है, लेटर बॉडी, सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, किस चीज़ का एग्जांपल है? सही उत्तर आपको दिलाएगा एक अंक, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो उत्तर छोड़ भी सकते हैं, कोई से 5 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं और डाउट आपको अगर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टाइल इज नॉन एन अमेरिकन स्टाइल, यानी अमेरिकन स्टाइल का दूसरा नाम क्या है? आप इन चार ऑप्शन में से उत्तर पहचान सकते हैं, अगर आपने थॉरो स्टडी की है तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा अमेरिकन स्टाइल है जिसका दूसरा नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, ऑफिस नोट इज यूज्ड फॉर, किस तरह के कम्युनिकेशन के लिए ऑफिस नोट यूज होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, प्राइवेट, पर्सनल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड, चार ऑप्शन में से एक सही है जो आपको दिलाएगा एक अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लेटर के नाम दिए हैं, इन लेटर्स में से किस में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है? और फिर आप अगर पहचान लेते हैं तो आपको एक अंक मिलता है, नहीं पहचानते तो आपके पास 5 क्वेश्चन के आंसर ना देने की चॉइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर जनरली रिक्वायर्ड, निम्नलिखित में से किस जो है कॉरस्पॉन्डेंस में सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना जरूरी है? चार ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा एक अंक। और हाँ, आप अपने उत्तर जो है एक नोटबुक में नोट करते रहें, एंड में वीडियो के एंड में आपको सभी उत्तर दे दिए जाएंगे और आप चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, द रेस्पेक्टफुल फ्रेजेस लाइक विद काइंड रिगार्ड्स, ये जो फ्रेज है आर यूज इन विच लेटर, किस लेटर में यूज होता है? चार ऑप्शन है, विद काइंड रिगार्ड्स किस लेटर प्रकार के लेटर में यूज होगा? सही उत्तर आपको एक अंक दिलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? वन वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, थ्री वे प्रोसेस है, फोर वे प्रोसेस है? सही उत्तर फिर आपको दिलाएगा एक अंक। आपने उत्तर पहचाने, सीबीएसई बहुत अच्छा पेपर दे रही है, क्वेश्चन भी सीबीएसई दे रही है, उत्तर भी सीबीएसई दे रही है, बस आपको पहचानना ही तो है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग इनमें से क्या है? आप सही उत्तर पहचानते हैं, आपको मिलेगा एक अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिफोर प्रूफ रीडिंग ए डॉक्यूमेंट, प्रूफ रीडिंग करने से पहले डॉक्यूमेंट, आगे ब्लैंक है, वंस और ट्वाइस, एक या दो बार क्या करना पड़ेगा उसको? शुड बी रिटन लिखना पड़ेगा, शुड बी रीड पढ़ना पड़ेगा, कैन बी रीड पढ़ा जा सकता है, शुड बी प्रेजेंट प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये सही उत्तर आपको एक अंक दिलाएगा। हर प्रश्न के इक्वल मार्क्स हैं और आपको सही उत्तर एक अंक की ओर ले जाता है, आपके मार्क्स इम्प्रूव होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर एक वर्ड दिया है STET, प्रूफ करेक्शन साइन है, इसका मतलब बताना है, चार ऑप्शन है, STET किस लिए होता है प्रूफ करेक्शन साइन में? तो सही उत्तर फिर आपको एक अंक दिलाएगा। नेक्स्ट फिर प्रूफ करेक्शन का साइन दिया है और इस साइन के बारे में पूछा गया, टेल्स द एडमिन असिस्टेंट टू, ये क्या साइन किस लिए होता है जो इस तरह का मार्क जो है एडमिन असिस्टेंट, ये उसको क्या संदेश देता है? तो मेक अ न्यू पॉइंट, मेक अ न्यू सेंटेंस, मेक अ न्यू पैरा, मेक अ न्यू पैराग्राफ, तो नॉट मेक अ न्यू पैराग्राफ, चारों में से एक सही उत्तर है जो आपको दिलाएगा एक अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
टोटल 38 प्रश्न हैं। अब हम आ गए हैं 19 क्वेश्चन पर। यहाँ फिर प्रूफ करेक्शन साइन आपसे पूछा गया, एलसी। एलसी साइन का मतलब क्या है? एलसी साइन आप कैपिटल लेटर करेक्टर करना है या स्मॉल लेटर करना है या बोल्ड करना है या चेंज द वर्ड टू कैपिटल करना है, तो एलसी का मतलब क्या है? चार ऑप्शन सही उत्तर आपको दिलाएगा एक अंक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इन फुल लिखना है, तो इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाएगी? इन फुल का क्या मतलब है? तो चार ऑप्शन है, इन फुल का मीनिंग पूछा गया, फिर प्रूफ करेक्शन साइन से आपसे पूछा गया है, और सही उत्तर आपको फिर एक अंक और दिलाएगा। एक एक अंक जोड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट 21, द हैश साइन। हैश साइन का क्या मतलब होता है? जब हम प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो बीच में हैश साइन लगा हुआ है, तो आप उससे क्या समझते हैं? सही उत्तर पहचानना है। नेक्स्ट फिर प्रूफ करेक्शन साइन से रिलेटेड है, ये साइन जो है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, आप इस साइन को देखकर क्या समझते हैं? सही उत्तर आपको फिर एक अंक दिलाएगा। नेक्स्ट 23, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। वर्कशीट एक्सेल से सवाल आया है, वर्कशीट में इंटरसेक्शन जो होता है रो और कॉलम के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो भाग, उसको हम क्या कहते हैं? आप सही उत्तर पहचान रहे होंगे, बहुत इजी प्रश्न है, तो आप एक एक अंक जोड़ते रहें। नेक्स्ट फिर एक्सेल से क्वेश्चन है, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। कॉलम के ऊपर जो लेबल होता है वो इनमें से कौन सा लेबल होता है, यानी कॉलम का नाम आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट 25, द ब्लैंक है, फीचर ऑफ एमएस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। आप डाटा की सीरीज तेजी से बनाना चाहते हैं, तो एक्सेल का वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको इसमें हेल्प कर सकता है? सही उत्तर पहचान रहे होंगे, आपने एक्सेल सीखा है, करा है, तो आपको एक अंक मिलेगा। 26, इन एक्सेल विच वन डी नोटेड अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। रेंज जो है B1 से लेकर E5 तक की रेंज इसमें से कौन सी है? सही उत्तर आपको एक अंक दिला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ सेल इन एक्सेल। निम्नलिखित में से फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ सेल, सेल को आइडेंटिफाई करता है एक्सेल में, तो आप चार ऑप्शन में से एक सही उत्तर पहचानना है, और सही उत्तर पहचानने के लिए आपको जैसे कि पहले बताया कि थोरो स्टडी करनी होगी, चारों ऑप्शन कन्फ्यूज करने वाले होते हैं और आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन, ए और एन इज अ सीरीज ऑफ टू और मोर एडजेसेंट सेल्स इन अ कॉलम और रो। एडजेसेंट सेल है, सीरीज है, और रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है आपने पहचानना है? रेक्टेंगुलर सीरीज जो है सेल्स की वो कौन सी है? नेक्स्ट 29 प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। पूरा कॉलम कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपने एक उत्तर सही है वो देखना है, और आप ये सारे प्रश्न अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसी तरह के और प्रश्न स्वयं भी बना सकते हैं, और एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छे से होने वाला है। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा तरीका है? आप चार ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यू कैन यूज़ द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज़ कर सकते हैं, चार ऑप्शन है, किस लिए यूज़ करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, तो सही उत्तर आपको दिलाएगा एक अंक। अब आ गए हम 31 क्वेश्चन, सेक्शन बी यहाँ कंप्लीट होता है। गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट, दूसरी शीट पर कोई सेल में डाटा है वहाँ से आपको लेना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 31 क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं, और सही उत्तर आपको दिलाता है एक अंक। अब आ जाते हैं सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी क्षमता आधारित प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, और यहाँ 7 क्वेश्चन हैं, 5 के ही आंसर देने हैं, आपको किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस की आपको यहाँ फिर च्वाइस दी जा रही है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 32 क्वेश्चन है, अ मेमोरेंडम इज कंसिडर्ड अ ब्रीफ फॉर्म। मेमोरेंडम जो होता है लेटर का एक स्टाइल है, ये ब्रीफ फॉर्म ऑफ रिटन लिखित कम्युनिकेशन की एक
फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, आप इन चारों में से पहचानना है ये कौन सी फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर स्क्रीन, मॉडर्न बिजनेस लेटर्स आर यूजुअली रिटन इन, जो आधुनिक व्यापारिक पत्र हैं वो इनमें से किस स्टाइल में लिखे जाते हैं, स्टाइल पूछा गया है, तो आप पहचानते होंगे, आपने कई बार टाइप भी किया होगा, लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच करेक्शन साइन, अब ये करेक्शन साइन मैन्यूस्क्रिप्ट में से है, इज यूज टू इक्वलाइज स्पेस, स्पेस इक्वल दिखाने के लिए आप कौन सा साइन यूज करेंगे, आपको सही उत्तर एक अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन, विच करेक्शन साइन इज यूज टू इंसर्ट द मैटर इन द मार्जिन, मार्जिन में मैटर जो है इंसर्ट करना है उसके लिए कौन सा साइन आप यूज़ करेंगे, और सही उत्तर आपको एक अंक दिलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो, जो कॉलम का डाटा है रो में आप लाना चाहते हैं, तो इन चार में से कौन सी कमांड आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 37 द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव ओनली व्हेन, फिल अक्रॉस वर्कशीट की जो कमांड है ये कब एक्टिव होती है, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक उत्तर सही है, तो सही उत्तर आपको दिलाएगा एक अंक। नेक्स्ट 38 एडिट में जाते हैं, डिलीट कमांड जो है ये क्या करती है, डिलीट ऑफ कंटेंट, सेल का कंटेंट डिलीट करती है, फॉर्मेट करती है सेल को, डिलीट फॉर्मेट्स ऑफ सेल, डिलीट्स द कमेंट ऑफ सेल, डिलीट सिलेक्टेड सेल, तो क्या इसमें से ऑप्शन सही है, सही उत्तर आपको दिलाएगा एक अंक। तो ये थे प्रश्न जो आपने अभी देखे हैं, इसी तरह के प्रश्न आएंगे तो आपने जो उत्तर अपनी नोटबुक में लिखे हैं अब मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रश्न का आपने गलत उत्तर दिया है, कितने प्रश्न आपके सही हैं आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे उत्तर की ओर, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्क्रीन पर अभी उत्तर हैं आपके सामने जो प्रश्न अभी आपने देखे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर ए आंसर सही है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें ये पूछा गया था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन सा इसमें है। और दूसरा प्रश्न, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज जो ब्लैंक है उसमें आएगा, बी वाला आंसर सही है। तीसरा प्रश्न स्पीकर, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो लिसन टू द स्पीकर, स्पीकर को लिसनिंग करना होता है, उसको सुनना होता है, तो सी वाला आंसर सही है। चौथे प्रश्न का आंसर फीडबैक, डी वाला ऑप्शन सही है, अगर आपने यही ऑप्शन चूज किया था तो आपका उत्तर सही है। और पांचवें प्रश्न का काउंट, बी वाला आंसर सही है, जिसमें काउंट लिखा है। और सिक्स जो साइन था वो पिक्चर थी, वो स्लाइड डिज़ाइन की पिक्चर थी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आइकन जो है स्लाइड डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब सेक्शन बी के उत्तर देखते हैं, डीओ लेटर, सेवन प्रश्न का बी ऑप्शन डीओ लेटर, तो डीओ लेटर में जो प्रश्न था वो लेटर के स्टाइल दिए हुए थे, कौन सा आंसर सही है, बी वाला। आठवें प्रश्न का डियर राहुल जहाँ लिखा था उसका उत्तर सैल्यूटेशन है, अगर हम डियर राहुल लिखते हैं तो वो सैल्यूटेशन होता है, और अमेरिकन स्टाइल को हम दूसरा जो नाम है ब्लॉक स्टाइल भी कहते हैं। दसवां प्रश्न बी ऑप्शन सही है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वाला उत्तर सही है, बी वाला। इलेवन क्वेश्चन का ए मेमोरेंडम वाला उत्तर सही है, ट्वेल्व क्वेश्चन का डी आंसर सही है, डी ओ लेटर। तो इस तरह से आपने अगर यही उत्तर मन में सोचे थे, नोट किए थे, तो आपके उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का बी डेमी ऑफिशियल लेटर वाला उत्तर सही है, 14 का भी बी उत्तर सही है, टू वे प्रोसेस होता है जो कम्युनिकेशन होता है, ये टू वे प्रोसेस होता है। 15 का सी उत्तर सही है, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर एंड करेक्टिंग एरर्स, ये वाला उत्तर सही है। 16 का प्रश्न का उत्तर बी शुड बी रेड, ये उत्तर सही है, और सही उत्तर आपको एक एक अंक दिलाते रहेंगे। 17 का सी आंसर सही है, कीप द वर्ड विद द डॉटेड लाइन बिलो, ये उत्तर सही है, STET जो लिखा था वो उसका साइन। नेक्स्ट 18 का सी मेक अ न्यू पैराग्राफ, जो
न्यू पैरा का साइन दिखाया था और वो साइन उसका मीनिंग पूछा था। नेक्स्ट 19, चेंज द करेक्टर टू अ स्मॉल लेटर। एल सी का मतलब जो प्रूफ करेक्शन साइन था एल सी, वो स्मॉल लेटर के लिए होता है। नेक्स्ट 20, टाइप द होल वर्ड नॉट एब्रीवेशन, यानी कि आपने पूरा वर्ड टाइप करना है फुल में और एब्रीवेशन में टाइप नहीं करना। नेक्स्ट 21, इंसर्ट अ स्पेस, प्रूफ करेक्शन साइन दिखाया गया था तो उसका मीनिंग है इंसर्ट अ स्पेस, स्पेस दिया जाए। और नेक्स्ट डिलीट स्पेस, स्पेस कम कर दिया जाए, प्रूफ करेक्शन साइन जो था उसको स्पेस कम करने का था। नेक्स्ट 23 का बी आंसर सही है, सेल, जो रेक्टेंगुलर सेल कॉलम और रो के बीच की जगह को सेल बोलते हैं। नेक्स्ट 24 प्रश्न का उत्तर ए वाला सही है, ए बी सी ई टी सी, ये आंसर सही है जो आपको पूछा गया था कॉलम के नेम्स के बारे में। नेक्स्ट 25 का बी आंसर सही है, ऑटो फिल से हम सीरीज फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट 26, ये रेंज बताई गई थी तो रेंज B1 to E5 वाला आंसर सही है, डी वाला उत्तर सही है 26 का। 27 का ए, ए उत्तर सही है जहां एड्रेस लिखा है। और 28 का आंसर जो है सी, रेंज वाला आंसर सही है। और 29 का बी आंसर, क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर, अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हेडिंग लेटर पर आप क्लिक करेंगे। 30 क्वेश्चन का डी आंसर सही है, बोथ ए एंड बी वाला आंसर आपका सही है। 31 का आंसर बी, रेफरेंसिंग जहां लिखा है वो उत्तर सही है। तो आप मिलान कर सकते हैं कि आपके आज के उसमें अगर यही सैंपल पेपर आपके एग्जाम में आता तो आप कितने अंक ला सकते थे, यानी 50% 60% आपको अनुमान लग जाएगा और कितनी आप स्टडी और करनी है। तो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो, बेस्ट ऑफ लक। और आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 32 प्रश्न का जो उत्तर है सी, इंटरनल यूज वाला आंसर सही है। 33 का फुल ब्लॉक स्टाइल वाला उत्तर सही है, डी वाला। और 34 में इक्वल स्पेस करने का जो साइन है वो ये साइन है, EQ#। और 35 का सी उत्तर सही है, अगर आपने यही उत्तर पहचाना था तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट 36 में बी उत्तर सही है, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। और 37, व्हेन मैनी शीट्स आर सिलेक्टेड, तो ये उत्तर सही है बी वाला। और 38 का डी, डिलीट सिलेक्टेड सेल्स, अगर आप डिलीट ऑप्शन चूज करते हैं तो उससे सेल डिलीट हो जाएगा। तो ये थे उत्तर। अब आपकी आपने वीडियो एंड तक देखा, आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल के पेज पर क्लिक कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियोस इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड और शॉर्ट एंड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।